गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आर क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया था शॉर्ट फॉर्म में, तो जस्ट लाइक इट ऐसा ही सेम बनाना है। मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। जैसे क्या है, 7630+2 है ना, तो क्या करना है, जो 7 है ये 3 जीरो है, तो इसका पहले क्या बनेगा, 1 2 3 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इसको किससे मैच करेंगे, ये वाले को, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये क्या है, 5003, तो ये क्या है, 5003 वाला कौन सा है, ये वाला। और बाकी आप ये खुद ट्राई करना, सेम टू सेम जैसे हमने इस पर करा था, इस पर भी ऐसे आप करके देखोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का क्या करना होता है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर मतलब जैसे कि हम लाइफ में सक्सेस होते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो सक्सेसर में भी क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे आपने छोटी क्लास में व्हाट कम आफ्टर करा हुआ, सेम वैसा ही है, मतलब इसका अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट ही देखेंगे, आगे वाला हम सेम ऐसे लिख लेंगे। तो 43 का क्या आएगा, 44 प्लस 1 कर दो, जब प्लस 1 करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दो, 3 और 1 कितने होते, 4 होते, बाकी सारा सेम लिख दो। तो ऑलमोस्ट हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। कई बार चेंजिंग कहाँ आती है, जब 9 वाला हो, जैसे 99 हो, तब जाके 3rd डिजिट में चेंजिंग आती है, ठीक है। अब ये देखो, ये है, ये लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 78, तो हम सेम एज वैसा लिख देंगे। 92 का क्या बनेगा, 93, ठीक है, ऐसे ही है। 89 को हम ऐसे लिख देंगे, 30 का क्या बनेगा, 31। अब देखो, मैंने यहाँ पे बोला था, जैसे यहाँ पे चेंजिंग आएगी, इसमें हम क्या देखेंगे, मतलब 99 आ गया है, तो 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, तो यहाँ पे फिर कैरी आना पड़ेगा, तो इसमें सारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें हम 1 प्लस करेंगे, कैसे आएगा, 9 और 1 10 10 10 और ये 5000। अगर आपको नॉलेज है कि 4099 के बाद क्या आता है, 5000 आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखो, ये तो जो 999 वाला, ये 99 में देखो, 99 का क्या बनेगा, 100 बनेगा, तो 100 का कैरी यहाँ पे लगा दो, तो क्या बना, 8 और 1 9 और 2 वैसे का वैसे 2900, ठीक है। अब ये ई एफ जी एच आपका क्या है, होमवर्क है। नाउ राइट द प्रोसेसर ऑफ द ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्रोसेसर मतलब P4 पहले भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो आपने छोटी क्लास में करा हुआ, बट कम बिफोर मतलब इससे पहले क्या आएगा, तो हम लास्ट 2 डिजिट को ही देखेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 50 से पहले क्या आता है, 49, 27 से पहले क्या आता है, 26, 89 से पहले क्या आता है, 88। अब जो अपना था सक्सेसर में, 99 वाले में चेंज होती है और यहाँ पे 0 वाले पे चेंज होती है। जब हम इसमें -1 करेंगे, इसमें हम पहले वाला देखते हैं तो -1 करते हैं, तो हमें अब ये नहीं पता होगा, तो आप इसमें -1 कर लो, बड़ा नंबर आपको नहीं पता चलेगा। ये 10 आ गया, ये 9 आ गया और यहाँ पे 1, 10 में से 1 गया 9 9 1, ये तो आप -1 करके रफ वर्क पर भी देख सकते हो, ठीक है। ये भी आप खुद कर लेना, ई पार्ट भी खुद कर लेना, एफ और जी। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ, 1000 का क्या आएगा, 1 माइनस करो क्या आएगा, 10 9 9 0, 10 में से बन गए 9 9 9 और आगे यहाँ 0 है, तो 0 हम नहीं लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 999 999। नाउ 1 पॉइंट सी, ठीक है, 1 पॉइंट सी पे हमें क्या करना है, ग्रेटर और लेस देन का साइन लगाना है। तो हमें बताना, देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है। बड़े नंबर की तरफ हम माउथ ओपन करेंगे, जैसे 223 है, ये 1000, ये मत देखो कि आगे वाला 2 है, इधर 1 है, तो 2 वाला बड़ा होगा, नहीं, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, ये 1000 में जो 100 में है, तो हम इसको इधर की तरफ फेस करेंगे, ये दोनों फेस देखो, ये क्या 3000, ये भी 3000, इक्वल नहीं है, आगे देखो क्या है, 0 है और ये 4 है, तो 4 वाला बड़ा आएगा, इधर ये 28 है, ये 27 है, 28 वाला बड़ा आ जाएगा, ये 41 है, ये भी 41 है, तो पीछे देख लो, 23 है और ये 25 है, तो 25 वाला बड़ा आगे, आगे 17 17 सेम है, ये 50 है, ये 45, तो 50 वाला बड़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही एक और बता दो, तो बाकी होमवर्क करना, ये 60 है और ये 58 है, तो इधर ये आपका GHI आपका होमवर्क है। थैंक यू।